नमस्कार सनी भाई। नमस्कार, हर हर महादेव, जय गौ माता। हमारी जमुनागिर गौशाला में आपका स्वागत है और जो ये चैनल है हमारे मित्र की हैं और आज वो आए हमारे जमुनागिर गौशाला में, तो हम बताएंगे आज नए ब्रीडिंग के बारे में जो हमारे कुबेर का रिजल्ट है। ये हमारे कुबेर का जो रिजल्ट है इसकी मदर है भुवनेश्वरी पीठ की और 21वीं बार ये बछड़ा आया है, मतलब 21वें लैक्टेशन में ये बछड़ा आया हुआ है। जो ये आप देख ही सकते हो कि कितना शानदार है, उसकी लेंथ लंबाई देख सकते हो सब तरह से। और ये हमारी जो भोलू है, ये भोलू की बछड़ी, और इसकी माँ पूरी सोन कपिला गाय है, तो ये भी आप देख ही सकते हो कि ये भी कितनी लंबी चौड़ी है। और हम जो ब्रीडिंग कर रहे हैं वो ब्रीडिंग के बारे में हम आपको बताएंगे, और इसका नाम हमने रखा है पूनम। ये भी कुबेर की बछड़ी है, ये भी आप देख ही सकते हो कि कितनी शानदार है हाइट बॉडी लेंथ लंबाई में। ये हो गई अभी 3 महीने की, तो आप देख ही सकते हो कि इसका ग्रोथ कितना है। मित्रों, मिल्क पिलाने से ही गाय जो बछड़ी होती है उसका ग्रोथ होता है, और मिल्क के साथ उसको फीड भी दिया जाता है और चारा भी दिया जाता है। ज़्यादातर मिल्क के ऊपर आपकी बछड़ी अगर रहेगी, मेल फीमेल का कोई भी, तो ही वो ग्रोथ करेगी, तो ही अच्छा रिजल्ट आप पाओगे। और लॉन्ग टाइम में मतलब उसकी जो ग्रोथ बढ़ने की क्षमता होती है वो बढ़ेगी, और वो जो गाय मतलब शॉर्ट टाइम में 2 साल में मतलब वो आपकी ब्रीडिंग के लायक हो जाएगी और गाय क्रॉस भी हो जाएगी। और मतलब जितनी देखभाल अच्छी तरह करोगे उतनी मतलब बछड़ी ग्रोथ करेगी। और मेन बात दूध की है, मतलब मिल्क की, जितना उसको आप मिल्क पिलाओगे उतनी अच्छी बात है। कोई लोग ऐसे भी कहते कि भाई ज़्यादा मिल्क पिलाने से हमारे जो बच्चे में कीड़े पड़ जाते हैं वो होता है, लेकिन उसको आप हर 2 महीने बाद डिवर्मिंग कर दो, या तो जो कैप्सूल होती है, या फिर हम तो देखो देसी पद्धति पे ही चलते हैं, हम तो जो काली जीरी आती है, मेथी आती है, हल्दी आती है, वो सब फीड में भी देते हैं और छाछ में भी वो पिलाते हैं, ताकि बच्चे को पेट में कीड़े ना पड़े और बच्चे अच्छे ग्रोथ कर सके और उसके पेट में कुर्मी ना रहे। उसके लेवर की भी कुर्मी नाश करती है, जो कर्म होते हैं अंदर जंतु पड़ जाते हैं उसकी लेवर की भी कुर्मी को नाश करते हैं, जाके उसके पेट के भी मतलब उसकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। सनी भाई, आप थोड़ा कुबेर के बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए हमारे व्यूअर्स को। कुबेर हमारा बहुत ही अच्छा बुल था, और कुबेर जो है वो ये धर्मेंद्र है उसका फादर था। आप देख सकते हो धर्मेंद्र कैसा बुल है, और आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि धर्मेंद्र जो है वो किस टाइप का बुल है। तमा तो धर्मेंद्र जो बुल है हमारा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है, और उसका भी हमने सीमन निकालना चालू किया है। तो किसी भी किसान भाई को या किसी भी गोपालक को अगर उसके सीमन चाहिए तो हम देंगे, और अगर कोई छोटा किसान होगा बरोबर तो उसको हम उसके पास हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। ये हम ये पहली बार ये चैनल में हम बोल रहे हैं, ये हमारे मित्र की चैनल है, इनको देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार। पाला भाई, इस बुल का नाम क्या है? कुबेर। इसकी मदर? उनकी मदर मेरे मित्र के पास थी, बरोड़ा। हाँ। बहुत दूध वाली थी, और ये हमारा जो कुबेर है अर्जुन का बेटा है। अर्जुन यानी? अर्जुन गोंडल रमेश रूपारेलिया। हाँ, रमेश भाई रूपारेलिया के पास जो फेमस बुल है वो।